इस वीडियो में हम दो बातें मेनली देखने जा रहे हैं। एक कि टेबल में से नॉन डेटा इंक को कैसे मिनिमाइज किया जाए, दूसरी बात कि स्पार्क लाइंस इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं और उससे हमारा डेटा एक इफेक्टिव वे से कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। वैसे तो टेबल कब बनाना चाहिए और ग्राफ कब बनाना चाहिए ये बात मैं किसी और टाइम पे करूँगा, क्योंकि ये नहीं होता कि ग्राफ भी दें और आप टेबल भी दें तो वो एक चीज़ जो है वो रिडंडेंट हो जाएगी, अननेसेसरी हो जाएगी। तो इस वक्त ये एक टेबल आपको बहुत सारी हमारी रिपोर्ट्स में बना हुआ मिलेगा। ये डेटा मेरे पास है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, करेंसी इन सर्कुलेशन मंथ वाइज, रूपीज इन बिलियन। तो ये मेरे पास डेटा एक ग्राफ में अवेलेबल है, एक टेबल में अवेलेबल है। हम इसको रीमेक करते हैं कि हम इसको क्या ज़्यादा इफेक्टिव वे से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि इंफॉर्मेशन हम ज़्यादा बेहतर वाली बेहतर तरह से कन्वे कर सकें। तो मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी इंक, ऐसी कोई भी लाइन जो कि मुझे इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करती लेकिन वो इंक कंज्यूम करती है, मेरी अटेंशन सीक करती है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ नो बॉर्डर कर दिया, तो ये मेरे पास एक टेबल सिंपल सा आ गया। और इसमें अब आप देखिए तो यहाँ पे आपको ये ग्रिड लाइंस और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी जो कि अब यहाँ से गायब हो गई। अब मैं इसको अगर इसके टाइटल वाले चीज़ को मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन कर देता हूँ, बैकग्राउंड और फॉन्ट जो है मैं वाइट कर देता हूँ, लेफ्ट लाइन में ज़्यादा टाइटल्स वगैरह को प्रेफरेबल करता हूँ, टेबल नंबर यहाँ पे आप दे सकते हैं। एक ये था कि मैं इसको नीचे थिन लाइन दे देता जैसे ये है, तो एक ये है कि मैं इसको बॉर्डर करते हुए नीचे एक थिन लाइन इंट्रोड्यूस कर दूँ, थिन बॉर्डर लाइन, ये बॉटम बॉर्डर इंट्रोड्यूस हो गया। और आप देखिए तो ये मेरे पास नथिंग इज लॉस्ट फ्रॉम दिस टेबल, लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी इंक रिमूव कर दी जो कि अननेसेसरी थी। हाँ, अगर ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हों तो आपको लगे अच्छा ये मिक्स हो सकती हैं एक दूसरे से, तो आप हर थोड़ी देर बाद, हर तीसरी चौथी लाइन के बाद एक लाइन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बॉटम बॉर्डर इंट्रोड्यूस करके। तो आप इनको और इसको आप ज़्यादा थिन कर सकते हैं ताकि ये जो लाइन जो बनी है ये ठीक नहीं हो और आपको आपकी अटेंशन जो है इन नंबर्स पे रहे। तो मैं इस यहाँ पे चूंकि डेटा सिर्फ 5 साल का है इसलिए मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। अब और ये अगर थिन लाइन नहीं इंट्रोड्यूस करनी तो आप इसको नो बॉर्डर कर दें और यहाँ पे भी कोई लाइट कलर यूज़ कर लें तो उससे आपके पास वही चीज़ आ जाएगी। आप इसको चाहें तो इस तरह से प्रेजेंट कर दें। ये मंथ नेम्स लॉन्ग हैं, अगर आप शॉर्ट लिख देंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने जब ये एंग्री ब्लैक रैबिट बन गया तो मैंने इसको ड्रैग किया, ये मेरे पास अब देखिए नथिंग इज लॉस्ट लेकिन टेबल ज़्यादा नीट क्लीन होता गया। अब यहाँ पे इसके बाद मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ स्पार्क लाइंस Excel 2013 वगैरह में ये डायरेक्ट हैं, बाकी जगहों पे शायद ये आपको थोड़ी सी 10 और 2007 में थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़े। ये सेल्स की विड्थ को भी मैंने जो है ये मैंने शिफ्ट स्पेस बार एंड इसको मैं बताता हूँ कि क्यों मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्पार्क लाइंस इंट्रोड्यूस कर दी, इंसर्ट करें आप और सॉरी तो यहाँ पे आप स्पार्क लाइंस इंट्रोड्यूस करें, यहाँ पे आप कॉलम्स हैं तो अब ये कॉलम्स में पूछ रहा है आपका डेटा रेंज, तो आपके पास ये डेटा रेंज है
आप इसको इंट्रोड्यूस कर दें, तो ये हर एक के लिए आपके पास बार चार्ट बन गया। अब आप अगर इसमें ये चाहते हैं कि जो बार है जिसमें आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको रेड देना चाहते हैं या इस तरह से, तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से अब आप यहाँ पे टोटल अगर देखना चाहते हैं कि टोटल के भी आपके पास जो है वो ग्राफ हो, तो आप इसको ऐड कर लें, सम कर लें, एंड देन यू कैन हैव और ये फॉर्मूला से आ रहा है, मैं इसको RDSV और ये वैल्यूज आ गई, और मैं इसको एक दफा फिर से यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों यहाँ पे मैंने इनको कॉपी किया। ये एक छोटा सा ट्रिक देखिएगा कि इसको मैंने जब सेलेक्ट किया देन मैंने यहाँ पे इंसर्ट जाके ओके होम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मेरे पास ये आ रहा है डेटा बार्स, और ये मैंने बार्स इंट्रोड्यूस किए, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यूज़ भी शो हो रही हैं। मैं नहीं चाहता ये वैल्यूज़ शो हों, तो यहाँ पे आप जाके कंट्रोल प्लस वन करेंगे तो ये कस्टम आ जाएगा। कस्टम में जाके ये तीन कॉमास आप कीजिए तो ये वैल्यूज़ यहाँ से देखा है गायब हो गई, और ये बार्स जो है ये आपको हाइट भी बता रहे हैं कि टोटल टोटल जो है वो बेसिकली करेंसी इन सर्कुलेशन कितनी है, जिसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो इसका जो है टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन। तो इस सेल को आप इनको मर्ज कर सकते हैं और दिस इज योर टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन, आप इसको ज़्यादा से, और ये आपकी टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन नंबर्स में है, और ये इसके ग्राफ्स में है, और ये आपके पास नी नाइस स्पार्क लाइंस इंट्रोड्यूस हो गई। आप चाहें तो इस ग्राफ को फर्दर अच्छी तरह डिस्प्ले कर सकते हैं इस फॉर्म में, नीचे सोर्स दे सकते हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए एक यूज़फुल जो है वीडियो होगी, जिसमें हमने पहले सारी नॉन रिडंडेंट इंक, नॉन डेटा इंक को रिमूव किया, नेम्स को हमने ज़रा थोड़ा सा शार्ट किया, मंथली ट्रेंड्स भी देख लिए उसी ग्राफ में, और करेंसी इन सर्कुलेशन टोटल जो है उसके भी हमने बार चार्ट्स बना लिए। तो अच्छा जी, ये आप देखिए तो यहाँ पे जुलाई 2005 पाँच पाँच ये आपके पास ज़रा गलत आ रहा है, तो मैं इसको सही करने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये डेट है, तो इसने इसको मैं अगर यहाँ पे सही करूँगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी चीज़ जाके सही हो जाएगी। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो ये देखिए अब आपके पास ये 2010 11 12, क्योंकि मैंने लिंक पिक्चर किया है जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। आई होप कि ये बहुत आपको जो है चीज़ जो है हेल्प करेगी अपने डेटा को इफेक्टिव वे से प्रेजेंट करने में। टेक केयर।